99 वेलकम टू माय चैनल देख रहे वाली मोना। तो मैं आई हूँ लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड्स को लेकर। पिछले हफ्ते 7 लोग नॉमिनेटेड थे, उसमें से एक आसिम जो थे वो कैप्टन बन चुके हैं, इसलिए वो अभी कैरी फॉरवर्ड नहीं हुए, नहीं तो पिछले हफ्ते के नॉमिनेशंस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो चुके हैं और वही सेम लोग नॉमिनेटेड है। तो नंबर 1 पे कौन होगा, गेस करो। सिद्धार्थ शुक्ला, सिद्धार्थ शुक्ला है नंबर 1 पोजीशन पे। वो ऑलरेडी वैसे भी नंबर 1 पोजीशन पे थे, पर जब सलमान सर ने बोला कि यही वोटिंग जो है, यही नॉमिनेशंस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रही, तब सिद्धार्थ शुक्ला कहीं ना कहीं नाराज थे, क्योंकि वो लिटरली आई थिंक ये थर्ड वीक है कि कंटिन्यूसली वो नॉमिनेट होते जा रहे हैं। तो ये थर्ड वीक है सिद्धार्थ शुक्ला नॉमिनेटेड है, पर फिर भी वो नंबर 1 पोजीशन पे है। कहीं ना कहीं 65% के अबाव वोट्स उनको मिल रहे हैं, और एग्जैक्ट एक्यूरेट परसेंटेज का वोट मुझे थोड़ी देर बाद पता चलेगा, बट नंबर 1 पे है सिद्धार्थ शुक्ला। नंबर 2 पे शॉकिंगली है आरती सिंह। आरती सिंह, एक टाइम था जब आरती सिंह बॉटम में रहती थी, लोग उसको कंफ्यूज बोलते थे, लोग कहते थे कि ये घर में रहने लायक नहीं है, ये ऐसी बचती जा रही है। इवन बाहर के लोगों को लोग सोचते थे कि यार ये बचती जा रही है, जब ये नॉमिनेशन में होती तो नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है, जब ये बॉटम में होती। विशाल ने बोला था कि जब तू नॉमिनेशन में आती तो फटाक से नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता। खुद विशाल पिछले हफ्ते बॉटम 2 में थे, तो अभी गेम मोस्टली पलट ही चुका है। यू कैन से कहीं ना कहीं आरती स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स लेते हुए दिखाई दे रही है, और कल आरती बहुत ही ज्यादा और अच्छे तरीके से छा के आई है पूरे शो में। जो लॉजिकल बातें आंसर्स दे रही थी रश्मि देसाई को और सभी को, मधुरिमा को, तो वो काफी अच्छा लग रहा था। तो आरती है नंबर 2 पोजीशन पे। नंबर 3 पर है शिफाली बग्गा। शिफाली बग्गा लास्ट टाइम जब नॉमिनेटेड थी तो आप लोग को याद होगा वो बजा बजा के उसने जो सबको उठाया रात को नींद से, तो इस हफ्ते भी कुछ तो हो सकता है बग्गा से अलग सा। मुझे, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये कुछ तो अजीब अलग सा कर दे, और कहीं ना कहीं शेफाली बग्गा ज्यादातर टाइम शहनाज और सिद्धार्थ के साथ बिताते हुए हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शहनाज के फैंस भी बग्गा को वोट कर रहे होंगे। कान से एनीथिंग, और शेफाली बग्गा खुद भी तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, दिखती है घर में, कुछ ना कुछ तो वो करती रहती है। तो शेफाली बग्गा है नंबर 3 पोजिशन पे। नंबर 4 पे है मधुरिमा टुली। मधुरिमा टुली भी आजकल दिख रही हो, बेफालतू के मुद्दे होते हैं या कुछ भी हो, पर वो दिख तो रही है। कल भी उसने बहुत झगड़े किए, जैसे कि माहिरा को क्यों मैं अटेंशन लेने दूं, तो उसने भी ले लिया अटेंशन। उन्होंने भी बर्तन नहीं धोने का बहाना बना के पूरा अटेंशन ग्रैब्स कर लिया था, और फिर बाद में वो स्मोकिंग के ऊपर जो भी बात हुई थी, फिर तू इश्क लड़ा रही है दो लोगों के साथ, ऐसी बातें वो जो मधुरिमा कर रही है दिख रही है अच्छी खासी। तो फिर नंबर 4 पे है मधुरिमा टुली। नंबर 5 पे है विशाल आदित्य सिंह, जिनके लिए कल भी वीवो कॉलर ने बोला था आप कर क्या रहे हो, आप बिहार का नाम रोशन करने आए हो या डुबाने आए हो। तो एक्चुअल में वो काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं, आरती को कंफ्यूज बोलते हुए ये खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, बिना बात के झगड़े कर रहे हैं, जो किसी को कभी पसंद नहीं आ सकता बाहर की बिना बात का, ये अपने आप को हीरो दिखाने की क्यों कोशिश कर रहा है। तो बॉटम 2 में है विशाल आदित्य सिंह, और लास्ट नंबर 6 नंबर पे है अरहान खान, जो पिछले हफ्ते ही शायद नॉमिनेट हो जाते पर उनको बचाया गया है, क्योंकि रश्मि को कोई तो सपोर्ट सिस्टम चाहिए ना, नहीं तो रश्मि तो सहम जाती है। तो जब तक देवोली ना आए तब तक शायद अरहान को रखेंगे। अरहान फिर भी है बॉटम पे, फिर भी कुछ लोग उसको उनको वोट कर रहे हैं, अभी ये कौन लोग है पता नहीं। तो अरहान जो है वो है बॉटम में, जो कल प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे सिद्धार्थ शुक्ला को नीचा दिखाने के लिए, गिराने के लिए, या जो कुछ भी है, तो ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग भी काम नहीं कर रही है। लोगों को फिर भी पसंद नहीं आ रहे हो आप, तो कुछ अच्छा गेम लेके आओ तो शायद कुछ डिफरेंस हो सकता है, बट ये प्लानिंग प्लॉटिंग तो नहीं चलेगी, लोगों को ये बहुत ज्यादा फेक लग रहा है। तो ये था लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड्स। मैं आती हूँ बिग बॉस रिव्यू एपिसोड्स के साथ और काफी ज्यादा अलग अलग वीडियोस के साथ, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी परत मी आलेच, हा बाय।